अब अमेरिकी सांसदों का ताइवान दौरा। शी को भड़काने वाली बाइडन की चाल। ताइवान पर भारी अगले 48 घंटे। ताइवान के आसमान की वो तस्वीरें देखी जब नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद चीन ने युद्धाभ्यास के नाम पर अपनी दहशत फैलाई थी। अब कुछ वैसा ही एक बार फिर देखने को मिल सकता है। अगले 48 घंटे ताइवान के लिए बेहद भारी साबित हो सकते हैं। क्योंकि अमेरिकी सांसदों के डेलीगेशन की एक एक तस्वीर चीन की आंखों में किरकिरी बनकर चुभ रही है। चीन को हरगिज ये रास नहीं आ रहा है कि नैन्सी पेलोसी के दौरे के महज कुछ दिन बाद अमेरिकी सांसदों का यह डेलीगेशन ताइवान पहुंच गया। दावा किया जा रहा है कि जैसे ही अमेरिकी वायुसेना का बोइंग C-40 विमान ताइवान के सरजमी पर पहुंचा, चीन में हलचल तेज हो गई। खबर है कि अमेरिकी सांसद राजधानी ताइपे में ताइवान के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, जिनमें दोनों देशों के बीच संबंध, सुरक्षा, व्यापार और निवेश जैसे मुद्दे शामिल हैं। इन बेहद अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए अमेरिकी सांसद 48 घंटे ताइवान में रहने वाले हैं। यानी चीन एक बार फिर ताइवान के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर सकता है। खबर तो ये भी आ रही है कि अमेरिकी सांसदों के इस डेलीगेशन को देखते ही चीन के लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर मोर्चा संभाल लिया है। 22 चीनी फाइटर जेट को ताइवान के आसमान में डिटेक्ट किया गया है, जबकि 6 जंगी जहाज ताइवान के आसपास के समंदर में लगातार चक्कर लगा रहे हैं। जानकार चीन के इस रवैये को लेकर कई तरह की आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिकी सांसदों की ताइवान यात्रा के जवाब में चीन साउथ चाइना सी में ताइवान के कब्जे वाले किसी द्वीप को टारगेट कर सकता है। इससे चीन के अंदर भी ताइवान को सबक सिखाने की मांग पूरी हो जाएगी और लिमिटेड एरिया में जंग होने से दोनों देशों को नुकसान भी कम होगा। इतना ही नहीं, चीन अपनी नौसेना के दम पर अगले कुछ दिनों के लिए ताइवान की घेराबंदी कर सकता है। इससे ताइवान का समुद्री और हवाई रूट ठप पड़ सकता है। इतना ही नहीं, आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि चीन अमेरिकी सांसदों के ताइवान दौरे के बाद अमेरिका और ताइवान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का प्रहार भी कर सकता है। यही वजह है कि दुनिया इस वक्त ताइवान में होने वाली हर हलचल पर अपनी नजरें जमाए हुए है, क्योंकि चीन के इस आक्रामक रवैये को ताइवान के लिए 48 घंटे की डेडलाइन माना जा रहा है।